किसी देश का राष्ट्रगान विदेशों में तभी बजता है जब देश युद्ध में विजय हुआ हो या खेल में खिलाड़ी ने मेडल जीता हो। सेक्टर 52 के लक्षित गुप्ता ने यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त कराया है, जिसने साउथ ईस्ट एशिया टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल जीते। ये बात भाजपा पर्यावरण संरक्षण विंग के हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने कही। उन्होंने लक्षित गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह से दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलती है। साउथ ईस्ट एशिया टूर्नामेंट में लक्षित का परचम लहराया। गुरुग्राम का रहने वाला है लक्षित गुप्ता। 3 गोल्ड मेडल जीतकर लक्षित का सम्मान हुआ और नवीन गोयल ने लक्षित को सम्मानित किया। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स था, उसमें 4 फॉर्मेट से क्रिकेट का था, वो T50, T20, T10 और T6, उसमें तीनों में गोल्ड मेडल जीता है। और वनडे में मेरी हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी वहाँ पर, और T20 में मैंने उनके लिए डेब्यू करा फर्स्ट मैच में, उसमें भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाकी आगे हमारे नेक्स्ट मंथ में कुछ जाना है वहाँ पर, और सितंबर में एशियन गेम्स हैं, उसका कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा इंटरनेशनल लेवल पर। थैंक यू। कब से आप मेहनत कर रहे हैं और किस तरह? मेरे को 8 जब 8 साल का जब से खेल रहा हूँ क्रिकेट, और आज 23 साल की उम्र हो गई है। बीच में मैं दिल्ली के लिए भी खेला हूँ स्टेट क्रिकेट 1923, यूनिवर्सिटी के लिए भी खेला हूँ। फिर अचानक से मेरे को ऑफर आया उनकी कंट्री से खेलने का, तो मैंने अपना CV भी सब कुछ भेजा और वीडियो उनको पसंद आई तो उन्होंने मेरे को बुला लिया वहाँ पर खेलने के लिए। मैं बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि हमारे वार्ड से, हमारे वार्ड में रहने वाले निवासी हैं मीनाक्षी जी और राजीव जी के पुत्र हैं और बड़े ही होनहार बच्चा है। तो आज हमारे कल जैसे ही शाम को हमारे प्रधान जी प्रदीप बोरा जी और राम अवतार जी ने ये सूचना दी कि भाई ये बच्चा मेडल जीत कर लाया है, इन्होंने ये प्रोग्राम रखा सेक्टर के अंदर, और नवीन भाई को भी इन्होंने सूचना दी और मुझे भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। मेरा तो खैर घर है ही, लेकिन हमारे बीच में नवीन भाई आए और बच्चे का सम्मान किया। और ये सम्मान करने का कारण ये सिर्फ इस बच्चे का नहीं था, लेकिन इस बच्चे की वजह से और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। सम्मान करने का असली कारण ये है कि बच्चे को देखकर और भी बच्चों में हिम्मत बढ़ेगी।